वेलकम टू सरसु समेल इनकी ना पर्प रसम वेपर रसमे पिड़ों अल का रसम रे ना रसत वो ना रोम कुान अल्वक पुल एड़े और चिना एलुमचा निका अल्व ना एमारी तं वो करेची एचर अद्क पर्पूंग पर्पूंग और कईपड़ी अल्वक ना पर्पे वेग वे तवर पर्पे वेग वे पारें इी पाती पर्पूँ पर्पय नमक वो ना करेच रसो सेतर पर्प रसम रे ना वेवान अल्वक ना रसपड़ी पटकें रसत नुणुक रसपड़ता ना इंक वो रे टी स्पून इत चून ना मूड़े रे टी स्पून अल्वकल अब सीरकपड़ी ना सीरक एल्तमें सेतें रसपड़े सेतरें कुछ तनिया ना सेतुक सीरक उड़मुक रोम ना इत रसपड़ो लिंक ना इन शो को डिस्क्रिप्शन पाक्स को पाक मंजपड़ी अटर कुछ मंज तूल सेकल अपमी पड़पड़ा नरक वे इटकल मेलाप्ल कड़सिया कोटकन करवेपिल पाध्यम नम्बर किल्लिटे कुछ सेतकल ना इतनी तक तक वो गटिया वन्नीर करेचिकों इलेना वो अब नम्बर करेचिकल ना इला तक ना वो करेच विटर इसवान अल्व उप सेतें उप नहीं पाटेटें तुम इतान अल्व नम्बर सेतकल नहीं पुल पाटेट अदक सेक ना मबड़ी ना कई कसक विटर अतमी करवेपिल एल सर्द रोम मनमें रसम इवलोदा इंत वो ताचरला नम्लो रसम ताक वानी अड़पेटें ना कड़ ताचित फर्स्ट अदक वर और काज मिग अब मुझे नहीं किल पटकें करवेपिल सेतरल इतर निम्सों वरते विटाद ना रसपड़े पटक ना वोलें नहीं रसपड़ी इलाम जीरक मिग पूल अरे इतमी वेकायपी सेकें ना नम्बर मिक्स पड़ी वैसे रस कलविया विटें इत ना नुरे वरटें इकल ना इतनी सूमा और रे रे चिटी अल्वक सक सेतें अंत इनी पुलि कारा सो ना फंगशन पाती कल्याण वीटल रसम वो इतमी वेल पड़वा कुछ ना इनकी कुछ ना सकें अदमारी प्रामिन्सा पाती अयर वीटल रसम वे वो पर्प तनिया वा नम्बर पर्प वे पर्प तनी रसम वे पर्प वा अंत रसम रोम टेस्टा इनकी नानू अदारी वजचर இந்த ரசத்துல நீங்க புளி தண்ணி விடாம வெறும் தக்காளியில மட்டுமே செய்யலாங்க வெறும் தக்காளி கடைசியா லெமன் புளிஞ்சு இறக்கனீங்கனா அதுதான் லெமன் ரசம் இப்போ பாருங்க ஓரம்லாம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் நரக்கட்டி வந்த உடனே நம்ம அப்படியே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிரலாங்க இப்போ பாருங்க சுத்தி எல்லா பக்கமும் நல்லா நரக்கட்டி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இல கருவேப்பில பச்சையா போடுறேங்க இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிறேன் நம்மளோட கமகம வாசத்தோட பருப்பு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த ரசம் இறக்கன உடனே வந்து ஒரு மூடி போடுங்க அப்படி இல்லனா வேற பாத்திரத்துக்கு மாத்திட்டு ஒரு மூடி போட்டு வச்சிருங்க ரசத்தோட வாசம்லாம் போகாம அப்படியே இருக்கும் என்னங்க இப்ப நான் பண்ண இந்த பருப்பு ரசம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இத பார்த்துட்டு எப்பயும் போல உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கண்டிப்பா மறக்காம நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க நன்றி வணக்கம் சரசு சமையல் பாருங்க சமையல் நல்லா பண்ணுங்க